गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज इन यस्टरडे क्लास वी डिस्कस्ड द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी एंड लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. सो आई कम टू फर्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम. Means, what are the things, beautiful things mentioned in the poem? कौन कौन सी beautiful चीजें जिनका जिक्र poet ने किया है इस poem में? Every little or big thing of nature is a thing of beauty and a source of pleasure. As you know, in the poem, beauty of the earth has been defined very clearly. तो he is saying here, every little or big thing of nature. यहाँ बहुत छोटी और बड़ी हर तरह की ब्यूटीफुल चीज़ें हैं एंड सोर्स ऑफ प्लेजर जो हमें बहुत खुशीदायक चीज़ें इस धरती के ऊपर हैं. द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग एंड डैफोडिल्स फ्लावर्स आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी. सन, यू सी द ब्यूटी ऑफ द सन अर्ली इन द मॉर्निंग. द मून इन मूनलिट नाइट, कितना ब्यूटीफुल लगता है मून. ट्रीज ओल्ड एंड यंग, देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल ट्रीज एंड प्लांट्स. डैफोडिल्स फ्लावर्स, झाड़ियों के ऊपर सुंदर सुंदर फूल. आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी. सो आर स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर्स, छोटी छोटी जंगलों में बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ. एंड क्लियर वाटर, साफ पानी उनमें. मैस ऑफ फेरन्स एंड द ब्लूमिंग मस्क रोजेस. और ग्रुप्स में बहुत वैरायटी के फैंस, बहुत वैरायटी के खिले हुए फूल ग्रुप्स में झाड़ियों के ऊपर. एंड मस्क रोजेस एंड वाइट रोजेस, ब्लूमिंग मस्क रोजेस, खिलते हुए वाइट रोजेस. दे आर कंस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर. तो ये जो सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं एज बीन एक्सप्लेन इन द पोएम, ये हमारे लिए लगातार जॉय एंड प्लेजर का सोर्स है. क्वेश्चन नंबर टू, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. अब ये पहले वाले क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट है. पहले इसने फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती हैं, और अब इस धरती के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दुख देती हैं. देर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज ह्यूमन सफरिंग एंड पेन. बहुत सारी चीज़ें हैं इस धरती के ऊपर जो हमें दुख और पेन देती हैं. The biggest source of suffering is our malice and disappointment. Malice, हमारी जो एक दूसरे के प्रति ill wills हैं, disappointment, निराशाएं हैं, इससे हम बहुत दुखी होते हैं. The lack of noble qualities in another. और यहाँ पे लोगों के अंदर अच्छी qualities नहीं हैं. जब malice का जिक्र आ जाता है तो natural सी बात है ये against good qualities of thinking and doing the things है. तो लोगों के का नेचर अच्छा नहीं है. और अनहेल्दी एंड इविल वेज ऑल्सो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स. तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है लोगों का वो इविल वेज हो गए, इविल तरीके से, गलत तरीके से ज़िंदगी को जीने का तरीका हो गया है. एंड इससे जन्म होता है बहुत सारी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स का. दे डिप्रेस अवर स्पिरिट्स, और बहुत अंदर तक हम दुखी हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से. दे आर लाइक अ पाल ऑफ सैडनेस ओवर अवर लाइव्स. पाल इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, इज यूज इन अ बॉट, यू नो, टू गिव इट्स डायरेक्शन. तो ये एक ऐसी हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर एक ऐसे दुखों का पर्दा बन के आती हैं ये मुसीबतें, ये सफरिंग्स. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. रेडिंग का मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज होल क्वेश्चन इज अबाउट रेडिंग अ फ्लावरी बैंड. फ्लावरी बैंड तो ये ब्यूटीफुल थिंग्स को कहा इन्होंने, और टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि हम धरती के ऊपर इनकी वजह से रहते हैं, रह पाते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो बहुत सफरिंग्स हैं. अगर यहाँ ब्यूटीफुल चीज़ें ना हों तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, धरती के ऊपर जी नहीं पाएंगे. रेडिंग, रेडिंग मीन वी आर सराउंडेड बाय, हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है क्या, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं. तो सेम एज बीन एक्सप्लेन इन द आंसर. जॉन किड्स इज अ सेंसुअस पोइट. बहुत ये रोमांटिक जो लोग होते हैं, रोमांटिक पोइट्स जो हैं रोमांटिक एज के,
दे आर वेरी सेंसिबल एंड इमोशनल होते हैं, बहुत टची तरीके से बात करते हैं. ही इज फॉर्मली अटैच टू द एंडलेस ब्यूटी ऑफ द अर्थ, और वो बहुत ही फर्मली, बहुत डीपली अटैच है जो धरती की कभी ना ख़त्म होने वाली ब्यूटी है उससे. द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज कंस्टेंट एंड अनब्रोकन, और इंसान का जो लिंक है इस धरती के साथ, नेचर के साथ, वो लगातार है, वो कभी टूट नहीं सकता. द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताई थी कि सन्स एंड मून्स एंड फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें हमें हमारी चारों तरफ से हमें घेर के रखती हैं और उसी की वजह से ही हम धरती पे जिंदा हैं. वी सीम टू रे द फ्लावरी बैंड दैट कीप्स अस अटैच टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, और ये हमारे लिए एक फ्लावरी बैंड की तरह है, जैसे मैंने कई बार कहा इस क्वेश्चन के आंसर में. एंड दैट कीप्स अस अटैच टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, और इन्हीं की वजह से हम धरती की सुंदरता के साथ अटैच हैं. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. What makes human beings love life in spite of troubles and suffering? क्या चीज़ें हैं जो मुसीबतों से हमारा ध्यान हटाती हैं और जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को प्यार करने लगते हैं? कहते हैं, so many things bring troubles and suffering. Undoubtedly, ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दे डिप्रेस अवर स्पिरिट्स, उससे हम परेशान भी हो जाते हैं. बट सम शेप ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस इन स्पाइट ऑफ सच अनप्लीजेंट थिंग्स, और कुछ थोड़ी सी ब्यूटीफुल चीज़ें, ब्यूटीफुल टाइम, ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल सीन्स. थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मीनिंग मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था कि क्या होती हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी. तो उनकी वजह से जो हमारी अनप्लीजेंट थिंग्स हैं वो फिर ज़्यादा मायने नहीं रखती. अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स अवे द पाल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग फ्रॉम आवर लाइफ, और ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो ये सफरिंग और दुख के पर्दे को, पाल को हमारी लाइफ से हटा देती हैं. इट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव, और इसी से ही इंसान में प्यार पैदा होता है नेचर के प्रति, इंसानियत के प्रति. वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ग्रैंडियर महानता, ग्रेटनेस, ये पावरफुल लोग जो मर गए उनके साथ ये जो हमारे महान लोग थे, मैं माइटी डेड कहूँगा, ग्रेट पीपल इन आर हिस्ट्री, आर फोर फादर, सो उनके साथ महानता क्यों जुड़ी है? द माइटी डेड वर द पीपल हु वर पावरफुल एंड डोमिनेटिंग इन देयर ऑन टाइम, अपने एक टाइम में वो पॉजिटिवली डोमिनेटिंग थे, उनका एक तरह से पूरा रुतबा था अपने टाइम में. Their achievements made them mighty and great, और उनकी जो अचीवमेंट थी वो सारी की सारी उन्होंने उनको महान बना दिया, ग्रेट बना दिया. आई गिव यू ऑलवेज एग्जाम्पल, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, दीज वर द माइटी डेड ग्रेट पीपल इन आवर हिस्ट्री, कि जिनके कामों ने उनको महान बनाया. देयर वर्क डैजल सरप्राइज कर देना, एकदम से आँख हम चकित हो जाते हैं उनके कामों को सुन के. वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड फॉर फादर्स विल अटेन मोर ग्रैंडियर एट द डूम्स डे, और हम इमेजिन करते हैं बिल्कुल कि जिन्होंने पूरी जिंदगी में इतने महान काम किए हमारे फोर फादर्स ने, तो नेचुरल सी बात है कि उनको डूम्स डे की मौत के बाद भी बहुत अच्छा रिवार्ड मिला होगा. डूम्स डे इज मीन्स डेथ डे, लास्ट जिसको हम क्यामत का दिन कह देते हैं. दे विल बी रिवार्डेड, उनको बिल्कुल इनाम मिला होगा, मिलेगा भी जो महान काम करेंगे. हैंस ग्रैंजर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, इसलिए जो पावरफुल लोग अब जिंदा नहीं है लेकिन उन्होंने महान काम किए उनके साथ ग्रेटनेस ग्रैंजर एसोसिएटेड है. डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस? जो ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, क्या एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है इनका एंजॉयमेंट, या फिर इसका जॉय जो होता है वो पूरा लाइफ टाइम के लिए होता है? जॉन किड्स मेक इट वेरी क्लियर इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस एक्सर्प दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. मैंने इस लाइन पे बहुत स्ट्रेस दिया था व्हेन आई वॉज एक्सप्लेनिंग द पोएम, कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो जॉय फॉर एवर है. जॉय परमानेंट होता है, एंजॉय टेम्परेरली होता है. तो थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से जो हमें खुशी मिलती है वो परमानेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है. इट इज़ अ कंस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, कंटिन्यूसली इससे हमें जॉय मिलता है. नो डज इट्स ब्यूटी डिक्रीज,
और ब्यूटीफुल थिंग्स की ब्यूटी कभी डिक्रीज नहीं होती। अगर फिजिकली हो भी जाए तो हमारी मेमोरीज में वो कभी डिक्रीज नहीं होती, चाहे ब्यूटीफुल थिंग्स हो या ब्यूटीफुल सीन हो या ब्यूटीफुल मेमोरीज हो, कुछ भी हो। इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट, और हर वक्त इनकी ब्यूटी बढ़ती ही चली जाती है। इट्स वैल्यू रिमेन्स अनडिमिनिश्ड, जिसको कभी भी, जिसका एग्जिस्टेंस इफेक्टेड नहीं होता, कभी कम नहीं होता, बढ़ते ही जाती है इनकी ब्यूटी। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, कभी ख़त्म नहीं होती इनकी ब्यूटी। इट ऑलवेज रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस दैट कवर्स अवर डार्क स्पिरिट्स, और हमेशा से ही, हमेशा के लिए ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो दुखों का पर्दा है, पाल ऑफ सैडनेस, इसको मैं दुखों का पर्दा कहूँगा जो हमारी लाइफ में, उसको ये हटा देती हैं। And the last question, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? Beautiful bounty of the earth, beautiful gifts of the earth. कौन सी इमेजेज उसने हमें बताई हैं कि जिससे हमें पता चले कि things of beauty are beautiful gifts of the earth? John Keats uses various images to describe the beautiful bounty of the earth. उसने बहुत सारी images use की हैं, बहुत सारी चीज़ों का example लिया है कि ये हमारे लिए ब्यूटीफुल बाउंटी हैं, ये धरती के ऊपर एक गिफ्ट की तरह हैं। द बाउंटी ऑफ द अर्थ इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, लास्ट दो लाइन में उन्होंने जैसे कहा था, आई एम रिमाइंडिंग यू बाय रिपीटिंग द लाइंस, थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन्स स्प्रिंग, कि ये कभी ना हो खत्म होने वाला अमृत का फुहारा है जो स्वर्ग के कोने से हमारे ऊपर बरसा है। अर्थ इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, और इसके ऊपर ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं ये ऐसे हैं जैसे एंडलेस फाउंटेन, ऐसा फवारा जो कभी ख़त्म ना हो। दिस एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये अमृत का फवारा कंस्टेंटली लगातार पोर्स हमारे ऊपर पड़ता है फ्रॉम द हेवंस इनटू आवर हार्ट्स, और स्वर्ग से आते हुए हमारे ऊपर आता है, यानी कि दिस इज अ गॉड गिफ्ट। सो दीज वर द क्वेश्चंस, एंड वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास यू विल हैव टू अपीयर इन अ गूगल टेस्ट। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, and a Google test will be conducted in very next class. Thank you.